राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी संघ संगठन की तरफ से अत्याचार के खिलाफ किया जोरदार धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री व डीजीपी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सौंपा गया ज्ञापन। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी संघ की तरफ से राजस्थान जालौन में इंद्र कुमार मेघवाल हत्याकांड, जयपुर में दलित महिला अध्यापक को जिंदा जला देने व बनारस उत्तर प्रदेश में विजय भाई की पीट पीट कर हत्या कर देने के व जनपद शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम सुतनेरा गांव में विधवा भूमिहीन महिला को गोली मारकर बुरी तरह घायल होने पर मुकदमा दर्ज कर 307, 452, 323, 504, 506 आदि में मुकदमा दर्ज कर आरोपी आंशिक अली, करीमुद्दीन, इमामुद्दीन, निजाकत अली पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता जेबुन निसा का आरोप है कि आरोपी गांव में घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि थाने में मैंने 5 लाख रुपए भर दिए, मेरा पुलिस ने निपटा दिया। आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। वहीं थाना रोजा थाना क्षेत्र के ग्राम छतेपुर की पीड़ित शरद कुमार कन्नौजिया का आरोप है कि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया। वहां आरोपियों ने दोबारा मुझ पर जानलेवा हमला किया, भगवान ने बचाई जान। थानाकार क्षेत्र की पीड़िता का आरोप है, आरोपियों द्वारा सर में गोली मारकर बुरी तरह घायल किया, जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचाई। आरोपी गांव में घूम रहे थाना पुवायाम क्षेत्र की पीड़िता मंजू का आरोप है, आरोपियों ने की मारपीट व छेड़छाड़। थाने पर पुलिस द्वारा आरोपियों पर 151 में चालान कर आजाद कर दिया गया। आरोपियों को पुलिस का मिल रहा भरपूर संरक्षण, आरोपियों के हौसले बुलंद और द्रविड़ समाज पर हो रहे जगह जगह पर सामाजिक अत्याचार के विरोध में धरना विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी संघ के संगठन के जिला अध्यक्ष फसाद खान उपस्थिति में साथीगढ़ राजकुमार, विपिन कुमार, अमित कुमार, जिला उपाध्यक्ष शरद कुमार कन्नौजिया, टिंकू कन्नौजिया, राज रजनी, शंखवार, बादल मंसूरी, राहुल गौतम, विवेक कुमार आदि कई लोग उपस्थित रहे। ये कुछ दिनों पहले विवाद हो गया होगा तो इन्होंने मतलब अपने छोड़ दिया है कि विवाद तो होते रहा, बच्चों के पीछे झगड़ा हो गया होगा, पर वो लोग अपने गांव के इन्हीं के गांव के हैं और वो रंजिश रखे रहे। इन्होंने पता नहीं था, उन लोगों ने पुरानी रंजिश निकाल के बच्चों के खातिर गोली चलाई। कौन से गांव के और क्या मामला है? कौन से गांव से और क्या मामला है? खमरिया गांव, ग्राम खमरिया। थाना कौन सा लगता है? कांट। कांट सर, रिपोर्ट भी कराई है पर पुलिस वालों ने क्या नाम है, नाम क्या है? रेणु देवी। रिपोर्ट लिखाई पर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बोल दे हाँ कर रहे हैं पर कुछ नहीं, पैसा लेके बैठे हुए हैं। विवाद यही झगड़ा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते भूल जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते ना कि नहीं भूलते, रंजिश रखे होते, उसी की ये नतीजा है आज। पुरानी रंजिश है, पुरानी रंजिश के चलते मैं कह तो रही हूँ ना आपसे, ये मतलब ये तो भूल गई हूँ कि कभी हुआ होगा झगड़ा, न्याय चाहिए हर बात पे, कई बार कोशिश कर चुके हैं। कोई जाति बात को लेकर, कोई जाति विवाद बच्चों के पीछे हो गया, आम बात है ये तो।